नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबीएस और सीबीएस के बारे में। सीबीएस को कुछ कंपनीज आईबीएस यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम या फिर सिंक भी कहती है, सिंक ब्रेकिंग सिस्टम। तो सब ना अपना अपना नाम दे रखा है, लेकिन ये सीबीएस, आईबीएस, सिंक ये सब सेम है और एबीएस एक अलग चीज़ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनिशियली मैं शायद ये कभी वीडियो बनाने की सोच भी नहीं पाता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए तो मैंने सोचा ठीक है इस पर वीडियो बनाते हैं। दोस्तों एबीएस और सीबीएस जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों ब्रेकिंग से रिलेटेड ज़रूर है, दोनों ब्रेकिंग सिस्टम्स की डेवलप हुई हुई टेक्नोलॉजी ज़रूर है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। एबीएस जहाँ इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली काम करता है, वहीं सीबीएस कंप्लीटली मैकेनिकल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है। तो ये कैसे काम करते हैं वो आपको बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एबीएस बताता हूँ। एबीएस के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ आई बटन में आप वो देख सकते हैं, या वीडियो ये जब खत्म होगा इसके एंड में आपको उसका सजेशन दिख जाएगा। तो एबीएस के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, कंप्लीटली यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ सिर्फ इतना बताता हूँ कि एबीएस जो है वो आपके व्हील को लॉक नहीं होने देता है। एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि आपके व्हील को जाम नहीं होने देता है ब्रेक लगाने पर। दूसरी ओर सीबीएस या आईबीएस या सिंक जो है, वहां पे क्या होता है कि जब भी आप अपना रियर ब्रेक लगाते हैं यानी कि पिछले व्हील का ब्रेक लगाते हैं, एक चीज ध्यान दीजिए कि सिर्फ बाइक से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है सीबीएस। तो जब भी आप अपने रियर व्हील के ब्रेक पुश करते हैं तो उस वक्त आगे वाला व्हील जो होता है उसके ब्रेक पे भी प्रेशर जाता है, यानी कि आगे वाले व्हील का ब्रेक भी लगेगा। आप बाइक चला रहे हैं जिसमें सीबीएस है, रियर ब्रेक पुश किया आपने और वहां पे आगे वाला ब्रेक भी थोड़ा सा लगेगा, उतने प्रेशर से नहीं लगता है जितना आपने पीछे वाला लगाया। सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए आपने ब्रेक लगाया तो उसका वेट इस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि 100% ब्रेक का 60% तो पीछे वाले टायर में लग गया, 40% आगे वाले में लग गया। तो ये इतना सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। ये टेक्नोलॉजी इसलिए डेवलप की गई कि मोस्टली लोग जो है वो पीछे वाला ब्रेक ही पुश करते थे, आगे वाले ब्रेक लगाते नहीं थे। ऐसी जो है कन्वेंशनल चीज़ें डेवलप हो गई लोगों के दिमाग में कि नहीं आगे वाला ब्रेक नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे गिर जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों गाड़ी का जो है या बाइक का जो है ज़्यादातर वेट ब्रेक लगाते वक्त या स्पीड कम होते वक्त आगे वाले टायर पे होता है, यानी कि वो ज़्यादा बेटर तरीके से गाड़ी रोक सकता है। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि आमतौर पर अगर किसी भी गाड़ी में डिस्क ब्रेक हो तो पहले आगे वाले ब्रेक में देते हैं, पीछे वाले में कम देते हैं। ठीक है, इवन कार्स में भी यही होता है, आगे वाले में डिस्क मिल जाएंगे पीछे वाले में नहीं मिल पाते। तो जो आगे वाला टायर जो होते हैं वो ज़्यादा वेट होता है, उनको ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स चाहिए होती है और वो ज़्यादा जल्दी रोक सकते हैं। इसीलिए चीज़ डेवलप की गई बाद में सीबीएस। सबसे पहले मुझे लगता है होंडा ने ही सीबीएस निकाला था, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम उन्होंने नाम दिया। और आप उसमें आगे वाले में नहीं था, आप आगे वाला ब्रेक लगाते हो तो सिर्फ आगे वाला लगता है, लेकिन अगर आप पीछे वाला ब्रेक पुश करते हो तो आगे वाले ब्रेक में भी थोड़ा सा ब्रेक प्रेशर जाता है। तो बस यही चीज़ है। बाद में हीरो ने आईबीएस लिख दिया, टीवीएस ने सिंक लिख दिया, और जैसे भी अलग अलग नाम करते जाए बाकी टेक्नोलॉजी तो सेम है। एबीएस से बहुत डिफरेंट है। मैंने भी देखा है कई सेल्स पर्सन को इनको एबीएस से कंपीट करते वक्त, जब मैं अपनी आरटीआर 180 एबीएस ले रहा था तो मैंने होंडा की हॉर्नेट की टेस्ट ड्राइव ली, और उस वक्त मैंने जब उन्हें बताया कि आपके पास एबीएस नहीं अवेलेबल है तो बोलते नहीं सर, एबीएस और सीबीएस सब सेम ही है सर, सीबीएस भी हमारा बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं है, एबीएस पूरा इलेक्ट्रिक और मैकेनिकली चलता है और सीबीएस जो है वो पूरा का पूरा मिला के मैकेनिकल काम है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एक्चुअल में दोनों ब्रेक साथ लगने की चीज़ है, और जहाँ एबीएस जो है वो अब बस ये वीडियो खत्म होती है आपको एंड में मिल जाएगा और देख लीजिएगा एबीएस क्या होता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए डेली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो लाता रहता हूं, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो ना सिर्फ लाइक कीजिए बल्कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।